इन दिस सेक्शन आई विल भी टॉकिंग अबाउट द एविडेंस दैट गोज अगेंस्ट द वलिडिटी ऑफ एफिशियट मार्केट हाईपोथ तो एफिशियंट मार्केट हाईपोथिस के अकॉर्डिंग हमने ज्यूम किया हुआ है कि जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट दैट इज द सेम अगर किसी के पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन होती भी है तो वो बहुत जल्द बाकी के तमाम लोगों को पता चल जाती है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इन्वेस्टर और अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू टू जनरेट अ हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड दिस इज़ वॉट इज बाय एफिशिएंट मार्केट हाई बॉथ बट वेन वी लुक एट द रियल वर्ल्ड एविडेंसेस देर आर सर्टन स्टडीज दैट प्रोवाइड

लंबे टाइम पीरियड तक काफ़ी हाई लेवल ऑफ़ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा बहुत से स्मॉल फर्म्स स्मॉल साइज फर्म्स की डेटा लेकर ये शो किया है कि उनके वैल्यूज़ को दिखा के कि आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक उन्होंने काफ़ी सफिशेंटली हाई लेवल ऑफ रिटर्न्स या प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं तो दिस पर्टिकुलर एविडेंस गोज अगेंस्ट द एफिशेंट मार्केट हाइपोथिस एंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज टर्म्ड एज द साइज इफेक्ट एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाई अनदर ग्रुप ऑफ स्टडीज इज द जनवरी इफेक्ट जनवरी इफेक्ट का मतलब है कि काफ़ी ऐसे फर्म्स हैं जो कि काफ़ी ऐसे फर्म्स के स्टॉक्स हैं या कॉरपोरेशंस के स्टॉक्स हैं या स्टॉक्स हैं जिन में हमने देखा है कि उनके जो कीम प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइज कर जाते हैं जनवरी में एज़ कंपेयर टू देयर प्राइसेज इन ऑल द अदर एलेवन मंथ्स ऑफ अ ईयर सो दिस टाइप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ़ स्टडीज सेज के काफ़ी स्टॉक प्राइसेस की अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू जै अगर हम जनवरी की प्राइसेस को कंपेयर करें स्टॉक प्राइसेस को डिसम्बर से तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर साल जब जब जनवरी आता है तब एक सर्टन काफ़ी बड़ा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं जनवरी में और इसके पीछे उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कहा कि मे बी बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ऊपर एवरीबडी बिकम्स सेट्स न्यू गोल्स और बिकम्स ऑप्टमिस्टिक एंड दे दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू और दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट समथिंग न्यू तो इस वजह से उन उन जब वो ज़्यादातर लोग जनवरी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डिमांड ऑफ स्टॉक्स के बढ़ जाने की वजह से उनके प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं और चूंकि सिर्फ जनवरी में ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को जो कि बताता है कि फ्यूचर को आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते रैंडम वॉक होता है लेकिन यहाँ पे हमेशा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि ये कंटिन्यूस फिनमिनन बन गई है कि हर जनवरी में प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो आप इसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं एंड दैट आल्सो कॉन्ट्रोडिक्स एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस द थर्ड थिंग व्हिच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर ऑफ

और वो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं यानी कि वो देखते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं जैसे रिटर्न ऑन एसेट है रिटर्न ऑन एक्विटी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये तमाम चीज़ें हैं और रेवेन्यूज जो जनरेट कर रही है कंपनी उसकी इनकम कितनी है उसकी वो और तो बाकी तमाम जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स होते हैं उनको वो अकाउंट फॉर करती है जिसको हम टुगेदर वी कैन कॉल इट फंडामेंटल एनालिसिस तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कि इन पर्टिकुलर दोनों तरह की एनालिसिस को अकाउंट फॉर करके डिसीशन लिया जाता है बट वन वी लुक एट द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्टॉक प्राइसिस स्टॉक प्राइसेज जितनी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और फंडामेंटल की वैल्यूज के अंदर फ्लक्चुएशंस हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि देर इज़ आर डिस्कनेक्ट फंडामेंटल की फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के स्टॉक्स के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से तो प्राइसेस में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व करी हुई है करने को देखने को मिलती है इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल्स में तब्दीलियां आ रही हैं वो कम है लेकिन जो प्राइसेस में तब्दीलियां आ रही हैं वो ज़्यादा हैं तो इस एक्सेसिव एंड रिप्रेजेंट करती है या इंडिकेट करती है कि दोनों में डिसकनेक्ट है राइट right? दोनों में तसलसल नहीं है दोनों में इक्वालिटी नहीं है तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रोडिक्स द एफिशेंट मार्केट हाइपोथेसिस। और एक और चीज़ जो कि काफ़ी स्टडीज ने आइडेंटिफाई किया है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन मीन रिवर्जन का मतलब है कि इफ़ देर इज अ स्टॉक जो कि हाई रेट ऑफ रिटर्न रहा है जिससे किसी भी स्टॉक पे से आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो हाई है एज कम्पेयर टू मार्केट का ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है तो ऐसा नहीं होगा कि ये हाई ऑन हाई रिटर्न ही यील्ड करता रहे ये इवेंचुअली फॉल कर जाए तो इसका मतलब है कि जो मार्केट का मीन है उस पर ये रिवर्ट करता है सिमिलरली मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है अगर सपोज वो छः है और देर इज़ अ स्टॉक जिसकी रिटर्न काफ़ी लो है तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा से लो यील्ड करता जाए वो मीन की तरफ रिवर्ट करेगा मीन्स वो ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा राइट right? तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व के इफ़ देर इज़ अ स्टॉक दैट इज अर्निंग अ हाई रिटर्न इट विल गो डाउन और वो मीन की तरफ रिवर्ट होगा उसकी रिटर्न हाई हमेशा नहीं रहेगी लो हो जाएगी और वो वो स्टॉक जिसके ऊपर लो रिटर्न है वो सारी जिंदगी लो रिटर्न पे नहीं बैठा रहेगा वो मीन की तरफ जाएगा यानी कि वो हाई हो जाएगा तो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व विच आल्सो इनवैलिडेट्स एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस लेकिन इसके साथ ही में पैरेलल टू तो दिस काफ़ी ऐसे स्टडीज भी किए गए हैं जिन्होंने ये कॉन्क्लूड करा कि देर आर सर्टन फर्म्स जो अगर लो रेट ऑफ रिटर्न हील्ड करें देर आर सर्टन स्टॉक्स जो कि लो रेट ऑफ रिटर्न हील्ड करते हैं तो दे कंटिन्यू टू बी दे कंटिन्यू टू जनरेट लो रिटर्न एंड इफ़ देर आर सर्टन फर्म्स या स्टॉक्स जो हाई यील्ड हैं तो वो हाई यील्ड पे ही कंटिन्यू करते हैं काफ़ी अर्सा तो ऐसे के स्टडीज़ भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ स्टडीज जो कि मीन रिवर्जन की बिहेवियर को भी कॉन्क्लूड करते हैं कि वहाँ हाई लो पे जाता है और लो हाई पे जाता है तो इस किस्म के काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को इनवैलिडेट या कॉन्प्रोटिकट कर रहे हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहती है कि जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो जिन लोगों के पास पहले पहुँचती है वो ज़्यादा जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं कुछ अरसे के लिए वो हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं देर इज़ अ पॉसिबिलिटी लेकिन जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है बाकी के प्लेयर्स को पता चलेगी या फाइनेंशियल मार्केट में जो सारे तमाम प्लेयर्स या इन्वेस्टर्स हैं उन तक जब तक जैसे जैसे पहुंचती है वो भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं और ये जो एब नॉर्मल प्रोफिट है या सुपर नॉर्मल रिटर्न है ये चीज़ वैनिश हो जाती है मार्केट में से लेकिन कुछ स्टडीज़ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब कोई नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट में आता है अबाउट अ स्टॉक अबाउट अ कंपनी जिसने स्टॉक जारी किया हुआ है तो उसके स्टॉक उस के प्राइस में इफ़ेक्ट आने के लिए या रिटर्न के ऊपर इफ़ेक्ट आने में समटाइम्स हम एक लैग को ऑब्जर्व करते हैं इसका मतलब है कि कुछ गैप आता है इमीजिएटली रिटर्न में वो न्यू new न्यूज़ का इफ़ेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता उसमें अक्सर कुछ लैग भी ऑब्ज़र्व की गई है तो ये भी इनवैलिडेट करती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को ये पर्टिकुलर बात एक और अहम बात जो कि आप सबको पता होनी चाहिए और हमने ऑब्जर्व भी की है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहती है कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी है कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है अगर वो स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट है इसका मतलब है कि लेवल ऑफ़ इंफॉर्मेशन इनसाइड इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो एट पार है वो सभी को एक ही लेवल के ऊपर इन्फॉर्मेशन पता है किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहे और वो उसके ऊपर अमल पैरा होकर ढेर सारा प्रॉफिट कमाते जाएं कमाते जाएं ऐसा नहीं हो सकता एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के मुताबिक लेकिन हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है फ्लक्चुशन्स आ रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलती हैं या कोई भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम समझें कि इक्वली डिसमिनेट हुआ है अमंग ऑल द इन्वेस्टर्स या प्लेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट तो फिर हम देखते हैं कि फिर भी अगर लेवल ऑफ़ इंफॉर्मेशन बराबर भी हो सबके पास फिर भी इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ तरीक़े से बिहेव करते हैं सो so, एक ही दिन में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो कोई सर्टन स्टॉक को खरीद रहे होते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो उसी स्टॉक को बेच रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं हालांकि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है सो देर इज दिस दिस पर्टिकुलर फिनल जो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं दिस ऑल्सो कॉन्फ्रिक्स और चैलेंजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशेंट मार्केट टुगेदर ढेर सारे एम्पेरिकल एविडेंसेस जब जब हमने देखा काफ़ी सारा डेटा जो है वो वैलिडेट करता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को काफ़ी सारे ऐसे स्टडीज़ भी हैं जो के कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में जब और उन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं उन स्टडीज़ ने कि इन फैक्टर्स की बेसिस पे हम देख सकते हैं कि एफिशियंट मार्केट हाइपोथिस हमेशा से हर मार्केट में ऑपरेट होती हुई नज़र नहीं आ रही वहाँ जनवरी इफेक्ट भी हो सकता है वहाँ साइज इफ़ेक्ट भी हो सकता है इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट होने में रिटर्न के अंदर कभी समटाइम्स देर इज़ अ लैग समटाइम्स पीपल ओवर रिएक्ट समाइम्स पीपल अंडर रिएक्ट तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एफिशेंट मार्केट हाइपोथिस को चैलेंज करते हैं और कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं कि हमेशा से आपको वैलिडेट होती हुई ये थेरी तमाम तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट होती हुई नज़र नहीं आती